मैं तो डायलॉग ऐसे ही मार रहा हूँ। अच्छा मैं तो बचपन से खाया नहीं सिर्फ। जबरदस्त, वाह वाह, हम तो सुबह शाम रोज यही खाएंगे। प्रकार से ना सर्दियों का खान पान ऐसा होता है, हम सिगड़ी बनाते हैं, कभी कभार हम मटन बनाते हैं, कभी कभार हम चिकन बनाते हैं, कभी कभार हम सिड्डू बनाते हैं, कोते के चिल्ठे बनाते हैं, मतलब तरह तरह की ना डिशेस बनाते हैं सर्दियों में खाने के लिए। गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हो आप सभी? अपना हाल चाल बता दो। आई होप आप लोग बिल्कुल मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और मेरे तरह स्माइल कर रहे होंगे। दो दिन हो गए ना व्लॉग नहीं आए, तो थोड़ा सा बिजी हो गया था, ज़्यादा काम कर रहा था। जी हाँ दोस्तों, लगभग ना हमारे खेतों से, हमारे पूरे गाँव में जितने भी खेत हैं सबके खेत हैं ना, तो वहाँ से खेतों में ना लगभग सबका घास कट भी चुका है। अब रह गया सेबों का काम, सेबों में तौलिया करने का रह गया, ठीक है, और कटिंग करने की रह गई है। जब तक बर्फ नहीं आ जाती है ना, तब तक काम ही काम रहता है। जी हाँ दोस्तों, मेरे घर के पीछे ना जंगल ही जंगल है, काफ़ी गहरा, काफ़ी डीप वाला जंगल है। हम सोच रहे हैं कि ना यहाँ पे आग जलाया जाए, ठीक है, यहाँ पे कहीं बैठ के आराम से आग जलाए, क्योंकि घर में तो हम बहुत ज़्यादा आग सेकते सेकते हैं। तो हम लकड़ी ढूंढेंगे, नहीं सबसे पहले हम दूध लाने जाएंगे दोस्तों। सबसे पहले हम दूध लाते हैं, तो फिर यहीं पर आते हैं, फिर देखते हैं हम यहाँ पे आग जलाएंगे या नहीं जलाएंगे, या फिर नीचे भवन के पास जलाएंगे आग, ठीक है। जी हाँ दोस्तों, बरसात के मौसम में ये जो झरना दिख रहा है ना आपको, काफ़ी बड़ा हुआ करता है, ठीक है, और अभी सर्दी के मौसम में थोड़ा सा कमज़ोर हो चुका है। मतलब कि सर्दी के टाइम इसे खाना कम मिलता है और बरसात के दौरान इसे ज़्यादा खाना मिलता है। पहाड़ों से आता हुआ झरना कितना खूबसूरत लगता है। एक साल पहले हमने ना इसी झरने के सामने ना यहाँ नीचे पिज़्ज़ा बनाया था। पिज़्ज़ा हम सोच रहे हैं कि बनाएंगे कभी हम भी फिर से पिज़्ज़ा, जो यहाँ से गिरता है तो नीचे जाके मिलता है। लो जी दोस्तों, हम पहुँच चुके हैं अंकल जी के घर, ठीक है, वहाँ देखते हैं कौन कौन है, और अंकल जी है या नहीं, आंटी जी है या नहीं, सब कुछ देखते हैं। वैसे कुत्तों की भौंकने की आवाज़ तो आ रही है, हमारा स्वागत बड़े अच्छे से हो रहा है यहाँ पे। हाँ, ये है सेब, यहाँ पे सेबों को ना सड़ाया जा रहा है, उसके बाद इसमें ढाला जाएगा गुड़, ठीक है, और इसमें भी ढाला जाएगा गुड़, है ना अंकल जी? नमस्कार अंकल जी। इसको जब सड़ाएंगे ना, सड़ाने के लिए क्या डाला जाता है इसमें? कुछ नहीं, इसमें पकाया या इसको ओखली में कूट के बिल्कुल ब्रिक बनाना पड़ता है। अच्छा, ओखली में, ठीक है। कब तक तैयार हो जाएगा ये वाला प्रोसेस? ये हो जाएगा हफ्ते में हो जाएगा। देखा ना दोस्तों कि अंकल जी ने क्या कहा, हफ्ते भर में ये प्रोसेस सारा शुरू हो जाएगा, तब जाके दारू निकालने का प्रोसेस शुरू होगा यहाँ पे। इसको क्या बोलते हैं वैसे, मेरे को सही नाम बताओ इस चीज का। ये जो है ना सबसे, ये क्या चीज है, ये ऊपर वाला ये तो डबरा है ना, नीचे ये जो लगाते हैं गोल गोल, ये पत्थर है, पूरा पत्थर का गोल शेप है ये पूरा, ठीक है ठीक है। नीचे डोलू ना, ये बड़ा सा डोलू है दोस्तों, और ये जो ये है ना, ये वाला एरिया, ये तो ये है पत्थर का बनाया हुआ, जो गोल गोल है ना पत्थर का बनाया हुआ है, और ये डबरा है। जो सड़ा हुआ गला हुआ मतलब मटेरियल होता है ना, जब पूरी तरह से तैयार हो जाएगा ना, तब इसके अंदर ढाला जाएगा, ठीक है, इस डोलू के अंदर ढाला जाएगा, और यहाँ से दारू निकलती है दोस्तों, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से दारू निकलती है, सेब की दारू चाहे चुल्ली की हो। हाँ दोस्तों, सामने देख सकते हो ना, जो भी आप सिस्टम दिख रहा है ना, यहाँ पे निकालते दारू, ठीक है। तो आप सभी को बताया कि किन्नौर में ना दारू निकालने का पूरा लाइसेंस है। बाकी एक हफ्ते के बाद यहाँ पे आएंगे हम फिर से, कैसे कैसे दारू निकालते हैं वो सारा दिखाएंगे दोस्तों। फाइनली दोस्तों, दूध ले चुका हूँ मैं। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको एक चीज दिखाना चाहता हूँ कि गाय को ना चापन किस में दिया जाता है। जो चारा होता है ना दोस्तों, गाय को दिया जाता है चारा, तो उसको चापन भी बोलते हैं, तो वो किस में दिया जाता है वो दिखाता हूँ मैं आपको। लकड़ की चीज़ है वो, तो उसमें चापन दिया जाता है, यानी कि चारा दिया जाता है। ये देख सकते हैं दोस्तों, ये पूरा लकड़ का है, यहाँ पे दिया जाता है गाय को चारा। अंकल ने बड़ी पुरानी पुरानी चीज़ें रखी है। अंकल जी अब जा रहे हैं गाय को घास डालने, ठीक है, वो भी दिखाएंगे आपको कि इन्होंने कितनी गाय रखी है अंदर, उनका खुड़ दिखाएंगे, खुड़ यानी कि गाय का घर। एक गांव के लोग ना कैसे होते हैं ना, उनका सारा जीवन दिखा रहा हूँ दोस्तों मैं आपको, ठीक है। हमने तो वैसे गाय रखी नहीं है ना, तब नहीं तो मैंने हर दिन दिखाना था कि हम कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं। बट जो हमारे चाचू साहब है ना, ये अपने ही चाचू साहब है, तो इनके खुड़ में जाते हैं जहाँ पे गाय को बांधा होता है उन्होंने, उनको घास देंगे, सारा दिखाएंगे।
जहाँ दोस्तों एक जमींदार का जीवन ना बहुत ही व्यस्त होता है, सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम होता है और ये काम कभी ख़त्म नहीं होता है। तो ये जितना भी ज़मीन दिख रहा है ना ऊपर, वो तो ये सारा चाचू साहब का है। तो सारा घास काट दिया है लगभग इन्होंने, अब घास बचा नहीं है कटने को। जी हाँ दोस्तों, ये जितना भी दिख रहा है ना, ये गोबर है, ऑर्गेनिक खाद, ये सारा गोबर है दोस्तों। यहाँ पर जितना भी है ना, ये सारा गोबर है। ये है दोस्तों खुड़, ये बोलते खुड़। ये देखिए किस तरह से घास ले जा रहे हैं। ये बहुत ही डेंजरस गाय है दोस्तों, ये कभी भी अगर छूट गई तो मारती भी है। इसी के साथ दोस्तों ना, हम चाचू जी के घर से वापस आ चुके हैं। तो मैंने दूध भी ला दिया और आपको मैंने खुड़ भी दिखा लिया। खुड़ यानी कि खुड़ मतलब कि जहाँ पे डंगरों को बांधा जाता है, गाय बैल को बांधा जाता है, खोतों को बांधा जाता है, बछड़ों को बांधा जाता है, सारा दिखाया। जो एक किसान होता है ना, किसान का जीवन कैसा होता है ना, वो दिन भर थका हारा काम करता है, घास काटता है, काम में जाता है, ठीक है, रोजगार करता है, पत्थरें तोड़ता है, पता नहीं बहुत काम करता है एक किसान, ठीक है। किसान के पास सुबह से लेकर शाम तक काम ही काम होता है दोस्तों, यही दिखाने की कोशिश की मैंने दोस्तों। हम घर में ना बहुत ज़्यादा बोर होते हैं, ठीक है, कितना ही खेतों में काम करें, कितना ही पढ़ाई करें, मन भर जाता है दोस्तों, ठीक है। पढ़ाई तो ना घर में बहुत ही कम हो रही है हमारे से आजकल, ठीक है। वैसे तो मैं शिमला रहता हूँ, हम सभी को पता है, उमेश भी रामपुर रहता है। हमारा जीवन भी ऐसा हो चुका है दोस्तों कि सुबह से लेकर थोड़ा टाइम थोड़ा हम लेट से उठते हैं, देन उसके बाद थोड़ा खेतों का काम करते हैं, और उसके बाद थोड़ा पढ़ना होता है, पढ़ने के बाद फिर से ना शाम के वक्त फिर काम होता है, काम ही काम होता है दोस्तों। ये होता है ना गांव का पूरा जीवन दोस्तों, शहरों में ऐसा कुछ काम नहीं होता दोस्तों जैसा कि एक गांव में होता है, ठीक है। कुछ दिनों बाद मैं शिमला भी जाऊंगा तो शिमला के व्लॉग्स बनाऊंगा, तो वहां पे पता लग जाएगा कि शहरों का जीवन कैसा होता है और गांव का जीवन कैसा होता है, तो आप सभी को खुद ही पता लग जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये हमारे सड़क का एंड पॉइंट, हमारी सड़क ना यहाँ तक बनी है, ठीक है। बस यहाँ आगे सामने रुकेगी जहाँ पे उमेश दिख रहा है ना आपको, और जो ये सामने वाला रोड है, ये वाला रास्ता, ये हमारे घर के लिए जा रहा है, ठीक है। तो कुछ दिन पहले यहाँ पे चैम्बर बनाया नहीं गया था, तो आज यहाँ पे ना चैम्बर बनाया गया है, ठीक है। तो बढ़िया बढ़िया काम किया गया, बहुत ही बढ़िया काम किया है। और यहाँ पे देखो, चार दिन पहले यहाँ पे ये क्रेट लगाई नहीं गई थी, और आज चार दिन के बाद यहाँ पे क्रेट लगा दी गई है। वाह यार, आग जला भी दी यहाँ पे उमेश ने, तो क्या बात है दोस्तों, मजा आता है मजा। यहाँ पे देखे सामने से ये, आय हाय हाय हाय। जी हाँ दोस्तों, ना सर्दी में ना आग सेके ना मजा ही आता है, ठीक है। घर में बोर हो जाते हैं, घर में भी कितने ही आग सेके, ऐसे खुले एनवायरनमेंट में आग सेकने का मजा आता है दोस्तों, बहुत मजा आता है। उमेश यार, और बंदों को बुला, कहाँ है बंदे, और बाकी बादल सिंह कहाँ गया अपना, फोन करना उसको यार, वो आएगा। हाँ दोस्तों, सामने से ना बुगली भैया भी आ रहा है आग सेकने के लिए। बुगली भैया का वेलकम है। ओ बुगली भैया। जी हाँ दोस्तों, ये है बुगली भैया की पिकअप। रात हो चुकी है ना, और अब घर भी जाना पड़ेगा, ठीक है। और बुगली भैया भी आ चुका है, देख सकते हैं पीछे से। और बुगली भैया, तो बुगली भैया ने अपनी गाड़ी यहाँ पे स्टॉप कर दी है, जानेंगे कि बुगली भैया कहाँ से आए और कहाँ को जा रहे हैं अब। हाँ जी बुगली भैया, कहाँ से आ रहे हो आप? मैं ले गया भावनगर। भावनगर से क्या लाया? राशन। और क्या हाल है? बस बढ़िया। बढ़िया, आप लोग ठीक है? बढ़िया बढ़िया। और सुनो, क्या किसका राशन लाया था? ऊपर थाच वालों का? ऊपर थाच वालों का। तो आज की दिहाड़ी कितनी बैठ गई? बैठ गई 700-800। 700-800, वाह यार, मतलब कि एक चक्कर का प्लस नरेगा भी किया। वाह भाई वाह, क्या बात। देखा दोस्तों, हम पहले यहाँ पे दो थे, अब चार हो गए हैं। अंकल जी हमारे, नमस्ते अंकल जी। और बढ़िया आप? बढ़िया बढ़िया। अभी तो और भी, अभी और बंदे आएंगे दोस्तों। आज हमारा मोटा प्लान है दोस्तों, यहाँ पे पार्टी होने वाली है आज। खड्डू गुड्डू लाएंगे आज, खड्डू इसमें बनाएंगे हम। बुगली भैया जा रहा है।
जी हाँ दोस्तों, अंधेरा बिल्कुल हो चुका है, मेरे को घर में आज डांट पड़ने वाली है। चलते हैं वापसी अब घर हम भी। और यहाँ पे आग भी ख़त्म हो चुकी है, हमने लगभग एक घंटे आग सेकी। तो उमेश मेरे साथ चलियो यहाँ से ना, ठीक है? ठीक है अंकल जी, मिलते हैं ना अब, बाय। जूली जूली जूली, देखा जूली ने भी स्वागत करा। वो फाइनली पहुँच गए, बहुत खुश हो जाते हैं जब भी हम घर पहुँचते ना, तो ये डॉग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। पूछो को क्या हुआ, परेशान सी लग रही है आजकल। हाँ यहाँ दोस्तों, चिंपू ना आजकल परेशान हो चुकी है, दो तीन दिन से ना थोड़ी सी बीमार हो गई है फिर से, पता नहीं क्या हो गया, अब देख ही सकते हैं उदास जैसी है। तो पता नहीं क्या हो गया चिंपू को। चिंपू कुछ नहीं होना ना, कुछ नहीं होगा। तो अब चलता हूँ अंदर, ठीक है? किचन में क्या कर रहे हैं सारे दिखाता हूँ, आज मुझे ना डांट पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सब यहाँ पे बैठे हैं दोस्तों, चाय पी रहे हैं। चार बज गई है, तुम अभी तक क्या कर रहे हो? जी हाँ दोस्तों, मैं गया था चार बजे का ना, मैं आ रहा हूँ छः बजे। पूरे मतलब आग सेक रहा था नीचे, आग जलाई थी हमने सड़क में जो पीछे है ना वो। और पापा आ कर रहे हैं बुआ जी से बात। मम्मी क्या खा रहे हैं, चाय बनाई? चाय बनाई की कॉफी? ओह माय गॉड, कॉफी पी रहे हैं? यस। और आज मिठाई, मेरे ना होते हुए आप लोग कॉफी कैसे पी सकते हो? माय गॉड, सब यहाँ पे कॉफी पी रहे हैं साथ में। कॉफी के साथ कौन खाता है बताओ जरा, स्वीट? हम खाते। भाभी जी आज खाने में क्या बना रहे हैं? आज बन रही है स्पेशल डिश। कौन सी? उसका नाम है रसगुल्ले। पाड़ी रसगुल्ले, पाड़ी रसगुल्ले, पाड़ी रसगुल्ले बोलते हैं हम, यानी कि सिगड़ी, सिगड़ू। वही बना रहे हम, पौधे के सिगड़ू। पौधे के सिगड़ू को देखना यार, सिगड़ी खाने यार, मैं तो कंफ्यूज हूँ, खाने हैं सिगड़ी खाने हैं? ओके ओके, जिसे नहीं खाने हैं उनके लिए चावल बनाई दीदी, दाल मिर्ची वो खा लेंगे। कोई ना, हम सिगड़ी भी टेस्ट कर ही लेंगे। बताओ मम्मी, सिगड़ी तो आप बहुत पहले से बना रहे, कैसे कैसे बनाते हैं सिगड़ी? जब बनाएगी ना यार, तब आटा गूंथते हैं ना, हां उसके अंदर डालते हैं अजवाइन। अच्छा, कच्चे आटे को, कच्चे आटे को उसको हमने प्लेट में घोलना है, डालना पतीले के अंदर। उल्टी उल्टी रेसिपी, गलत गलत रेसिपी, आप बताओ कैसे बनाते हैं? गूंदना है, गूंदना नहीं, आटे को तो गूंदेंगे ना, गूंदने के बाद जो आटा लास्ट में जो बनाते हैं तरी बनाने के लिए, कच्चे आटे को घोलना है बिल्कुल जैसे चीले बनाते। नहीं यार, पापा को बोलने नहीं आ रहा है। चुप रहो यार, बस जब मैं बनाऊंगी तब देखना, बस ये दोनों अलग अलग रेसिपी बता। भूल गए मम्मी भी यार, मम्मी को पता है सब, मम्मी जान बुझ के ड्रामे कर रहे हैं। जब मैं बनाऊंगी ना तब, ठीक है? ओके, ताकि थोड़ी वीडियो में खप हो जाए। मम्मी को सब पता है वैसे तो, पापा को तो पता ही नहीं शायद। पापा तो सिगड़ू खाते ही नहीं, मैं तो डायलॉग ऐसे ही मर रहा हूँ। अच्छा, मैं तो बचपन से खाए नहीं सिगड़ू, मेरे पेट में दर्द होती है। पहाड़ी रसगुल्ले इस प्रकार से बन रहे हैं दोस्तों। इसमें ढाली गई है सबसे पहले कड़ी, कड़ी ढाली गई है, कड़ी में बनाए जाएंगे यहाँ पे सिगड़ी। सिगड़ी किस तरह से बनाई जाती है वो देखिए दोस्तों। थोड़ा थोड़ा ये उबलना स्टार्ट हो रहा है, जब ये उबलना स्टार्ट होता है ना उसके बाद आटे की, आटा जब भिगो लिया ना, आटे के छोटे छोटे बाइट बनाने हैं। तो गाइस हमने चावल तो पका लिए थे ऑलरेडी, तो ये चावल ढाले जाएंगे। अच्छे भी डाल सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छे ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है। पके हुए चावल डालेंगे तो उतना टाइम नहीं लगेगा हमारा इसमें। अच्छा, सही बात, ये तरीका बिल्कुल सही है। तो लगभग इसमें, जी हाँ दोस्तों, इसमें चावल भी जा चुका है, अब टेस्ट और सही रहेगा इसका। देखा दोस्तों, इस प्रकार से ना सर्दियों का खान पान ऐसा होता है, हम सिगड़ी बनाते हैं, कभी कभार हम मटन बनाते हैं, कभी कभार हम चिकन बनाते हैं, कभी कभार हम सिड्डू बनाते हैं, कोदे के चिल्ठे बनाते हैं, मतलब तरह तरह की ना डिशेस बनाते हैं सर्दियों में खाने के लिए। चूल फांटिंग भी बनाते हैं, ठीक है? जैसे आज हमने सिगड़ी बनाए और अगले दिन हम कुछ और बनाएंगे, एक हफ्ते के बाद हम चूल फांटिंग बनाएंगे, ठीक है? तरह तरह की हम नई नई पुरानी पुरानी डिशेज बनाएंगे। 100-200 साल पहले ऐसे ऐसी डिशेज खाते थे, ठीक है? हर हफ्ते नया नया बनता रहता है हमारे घर में डिश, ठीक है? हाँ, नहीं तो एक ही चीज़ खाएंगे तो बोर होते हैं दोस्तों, इसलिए सर्दियों में ना अपने लोकल अनाज को खाओ, लोकल डिशेस बनाओ, मज़ा आता है दोस्तों। और बाकी आज के दिन मैंने क्या क्या किया, शाम के वक्त मैंने क्या क्या किया, सारा दिखा दिया आपको।
और सिगड़ी अब बस अब तैयार हो चुकी है। जाते जाते आप सभी से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, क्या आप भी अपने घरों में सिगड़ी बनाते हैं, सिगड़ू बनाते हैं? अपने बोली में आप सिगड़ू को क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में बता देना दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बन चुके हैं सिगड़ू। चिकन पकौड़े? चिकन पकौड़े नहीं, सिगड़ी है। तो पापा यहाँ पे टेस्ट करेंगे, सबसे पहले हम पापा को पूछेंगे कि सिगड़ी कैसी बनी है। खाओ, पापा सिगड़ी शुरू कर रहे हैं। मस्त बन गई, मस्त। और कुछ? पापा के फेस को देख के लग रहा है कि सच वाकई यार ये तो बनी है जबरदस्त। हम तो सुबह शाम रोज यही खाएंगे। देखो मम्मी और आप तो ये दाल कौन खा रहा है? हमारा भाई और मम्मी। हां ये देखिए, सिगड़ी नहीं खाने वाले दो शख्स, मम्मी एंड भाई, ये सिगड़ी नहीं खा रहे। लो जी खाओ फिर दाल, क्या करना फिर। लो ये अनिल को थाली। बस बस बस, ओके। इसी के साथ आज का ब्लॉग यहीं पे खत्म होता है दोस्तों। मैंने आज दिन भर क्या क्या करा सब कुछ दिखाया, और शाम के वक्त मैं थोड़ा लेट हो गया, तो लेट होते होते मैं घर पहुंचा, थोड़ी थोड़ी डांट पड़ी, और उसके बाद यहाँ पे सिगड़ी बनाई, सब कुछ दिखाया, लोकल खान पान हमारा कैसा कैसा होता है सब कुछ दिखाया। तो आज हमने शुरुआत करी सर्दी के मौसम में, सबसे पहले हमने शुरुआत करी सिगड़ी से। अब मिलेंगे आपको अगले हफ्ते में, अगले हफ्ते मिलेंगे, वैसे ब्लॉग तो आएंगे, अगले हफ्ते हम नया लोकल खान पान बनाएंगे, ठीक है, तब मिलेंगे दोस्तों आपको। तब तक के लिए बाय बाय, अपनी फैमिली का ध्यान रखना, ठीक है, बाय बाय करो सभी, बाय बाय करो फिर भी, बाय बाय बाय। हर कुछ मस्त वाले में मजा ही आ गया यार।